अस्सलाम दोस्तों, मैं मोहम्मद रमजान। दोस्तों, आज मैं ग्रो करने लगा हूँ लीची का पौधा। ये लीची एक बहुत ही प्यारा सा फ्रूट होता है और ये हल्का पिंक कलर का होता है और खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। और ये पौधा जो आपको नज़र आ रहा है, ये मैं कुछ दिन पहले लेके आया था नर्सरी से। तो ये पौधा बना हुआ है एलेर के थ्रू, मतलब ये सीड से ग्रो नहीं किया हुआ, इसको एलेर किया गया है। तो सबसे पहले मैं इसके जो लीव ख़राब हो गए हैं, मतलब जिसको किसी कीड़े ने खा लिया था, वो मैं रिमूव कर दूंगा, ताकि जो जो डैमेज लीव है इनकी वजह से और पत्ते ना ख़राब हो जाएं, क्योंकि इस पर लाजमी बात है कीड़े और जो फंगस मौजूद होगा तो वो आगे भी फैल सकता है। तो ये मैं रिमूव करने के बाद इसको ग्रो बैग से निकाल कर लगाऊंगा पॉट में, और आज देखेंगे कि मैं इसको कैसे लगाता हूँ, उसकी क्या एहतियात होती है और इसको बाद में कैसे ट्रीट करना होता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो इसके लिए जो मैं मिट्टी का पॉट यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला जो पॉट मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर आपको होल नज़र आ रहा होगा। ये होल बहुत ज़रूरी है ताकि जो पानी फालतू वो ड्रेन हो जाए और से अपना इसके रूट्स को ख़राब ना करें। तो अभी मैं इसका जो ग्रो बैग है, जो पॉलीथीन की थैली है, जो काट दूंगा और इसके देखेंगे कि इसकी रूट्स कैसी हैं और इसको लगाना कैसे है। ये देखिए दोस्तों, इसके रूट्स आपको नज़र आ रही होंगे, काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है इसकी इस ग्रो बैग के अंदर। और अभी मैं इस मिट्टी के पॉट में लगा दूंगा। ये 1 फुट का डाई का पॉट है और मेरे हिसाब से इसके लिए बेस्ट है, 1-2 साल इस पर ईजिली ये रह सकता है। उसके बाद फिर इसको देखूंगा मिट्टी में लगाना है, नीचे ज़मीन में, या इसका पॉट चेंज करना है। तो इसके लिए आपको मैं जो सॉइल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ वो है कोकोपीट और बालू मिट्टी का मिक्स मिक्सचर। और अभी किसी किस्म का मैं इसमें ऑर्गेनिक या केमिकल पाउडर ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि इसके रूट्स इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इसको बर्दाश्त कर सकें केमिकल फर्टिलाइज़र को। तो ये अभी थोड़ा बड़ा है तो मैं नीचे से मिट्टी इसकी निकाल दूंगा, ताकि ये इजीली इस पॉट के अंदर फिट हो जाए। तो मिट्टी इस तरह से निकालनी है दोस्तों कि इसकी रूट्स डैमेज ना हो। अभी मैंने इसकी जो मिट्टी है वो तकरीबन झाड़ दी है, और अभी मैं क्या करूँगा कि जो मैंने मिक्सचर बनाया हुआ है कोकोपीट का, बालू मिट्टी का, वो इसमें ऐड करता जाऊँगा। मिट्टी इसलिए डालनी दोस्तों ताकि इसमें कोई मसाम खला ना रहे, और उसमें फिर फंगस पैदा होने का ख़तरा होता है और पौधे की जो रचनुमा है वो मुतासर होती है। तो ये मैं अच्छे तरीके से फिल कर दूंगा और उसके बाद इसको मैं लगाऊंगा अच्छे से पानी, और कुछ दिन इसको रखूंगा बिल्कुल शेडी एरिया में। उसके बाद टैक्स अलर्ट में शिफ्ट कर दूंगा। ये जो लीची का पौधा है ज़्यादातर ठंडे इलाकों में कामयाब है, और मेरे ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ जनूबी पंजाब पाकिस्तान में इसको ग्रो करने का। तो मैं चेक करूँगा कि ये इसकी ग्रोथ होती है या नहीं होती, और इस बार यहाँ फल भी लगता है। लेकिन ये है एलेर के थ्रू तैयार किया हुआ है, ये मैंने इस पर इंश्योर किया है नर्सरी वाले से। और एलेर जो थ्रू पौधा बना होता है उस पर फुल चांस होते हैं कि फ्रूटिंग हो जल्दी हो बजाय सीड के ग्रो करने के।
तो दोस्तों अभी ये बिल्कुल रेडी है, इसको मैं अच्छे से पानी दूंगा ताकि इसके रूट जो है वो शाख में होंगी और वो अच्छे से पानी रिजर्व कर लें। और इसके बाद इसको रख लूँगा मैं बिल्कुल शेडी एरिया में, जहाँ कुछ दिन इसको डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, ताकि अगर ये पौधा अगर शाख में हो तो सर्वाइव कर जाए। और मेरी ख्वाहिश है कि ये पौधा बड़ा हो और इस पर ज़बरदस्त सा फ्रूट लगे लीची का। और इसके पत्ते आप देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल जामुन की तरह होते हैं और देखने में भी एक जामुन का पौधा लगता है, लेकिन ये जो लीची का फ्रूट है इसका टेस्ट जामुन से काफ़ी अच्छा होता है। और इसका कलर मुझे बहुत पसंद है, लीची के फ्रूट का हल्का पिंक कलर का फ्रूट लगता है इस पर, और देखने में ये अगर इस पर फ्रूट लगा हो पौधे पर और देखने में बहुत ही वो प्यारा लगता है दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, अभी मेरा पॉट बिल्कुल ये रेडी है। देखिए इसके लिए बिल्कुल जामुन की तरह है, लेकिन ये जामुन का पौधा नहीं है, ये लीची का पौधा है। तो दोस्तों उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और साथ में मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि जो मेरे न्यू आने वाली वीडियो है आप लोगों को मिलती रहे। तो ओके दोस्तों, अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।